हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा उत्पादन संभावना वक्र के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इन शॉर्टकट पीपीसी क्या होता है। देखिए, नाम से ही पता चल जा रहा है उत्पादन संभावना वक्र। इसका मतलब उत्पादन की संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। चलिए डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या। देखिए, वैसे तो उत्पादकों के पास उत्पादन करने के जो साधन होते हैं वो हमेशा सीमित होते हैं। हर एक उत्पादक चाहता है कि वो अपने सीमित साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करे ताकि अधिक से अधिक वस्तुओं का, उसकी अधिक से अधिक इकाइयों का उत्पादन कर सके। मान लीजिए एक बार में कोई उत्पादक 2 वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है और उसके पास साधन सीमित है, तो ऐसे में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को वो एक साथ ना ही बढ़ा सकता है क्योंकि उसको सभी साधनों का उपयोग करना है। इसका मतलब यह हुआ कि एक वस्तु के उत्पादन को अगर बढ़ाना है तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को कम करना ही पड़ेगा क्योंकि साधन सीमित है। तो यहां पर जिस प्रकार से संयोग बनते हैं उत्पादन के, उसके साधनों के आधार पर, उसके बाद जो उपलब्ध तकनीक है उसके आधार पर, उन सभी संयोगों को जब एक ग्राफ के थ्रू शो किया जाएगा, उस ग्राफ को हम उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। अब ये समझिएगा, जो उत्पादन संभावना वक्र होता है कि यहां पर वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को दर्शा देता है, यानी कि उत्पादन के विभिन्न संयोगों को दर्शाया जाता है। वो संयोग किसके आधार पर, कम से कम 2 या 2 वस्तु का उत्पादन, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना जाए। तो मान लीजिए एक बार में वस्तु एक्स का और वस्तु वाई का दोनों का उत्पादन करना है और उत्पादकों के पास जो साधन है वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। साधन कैसे होते हैं, सीमित साधन। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दे दिया, मान लीजिए आप जो है ₹100 लेके सब्जी की दुकान, सब्जी मार्केट में गए सब्जी खरीदने, अब ₹100 आपके पास है और आपको सब्जियां खरीदनी है और कम से कम 2 या 2 से ज्यादा तरह की सब्जी है। ₹100 से आपको आलू भी खरीदना है और ₹100 से आपको प्याज भी खरीदना है। आलू की कीमत जो है ₹10 पर केजी है और प्याज की कीमत जो है ₹20 पर केजी है, तो कैसे खरीदेंगे। तो आलू प्याज अगर आपने 5 केजी खरीद लिया तो आलू तो 0 खरीद पाएंगे ना। अगर मान लो आलू खरीदना है यहां पर, अगर आलू खरीदना है 2 किलो तो प्याज कितना खरीद पाएंगे आप, केवल 4 किलो। इसका मतलब होता है कि सीमित साधनों से अगर 2 वस्तुओं के उत्पादन समानता दर्शाना है तो एक वस्तु और दूसरे वस्तु के बीच में हमें एक डिफरेंस रखना पड़ेगा। अगर एक वस्तु को बढ़ाना है दूसरे को कम करना पड़ेगा। ऐसे में उत्पादन के, जैसे आलू प्याज परचेज करने के कई सारे सहयोग बनते चले जाएंगे, ABCDE, अपनी आवश्यकता अनुसार हम किसी भी संयोग को चूज करेंगे। तो यहां पर जब इन संयोगों को ग्राफिकल रूप से यानी कि वक्र के रूप में शो करेंगे, जब हम उत्पादन के विभिन्न संयोगों को वक्र के रूप में शो करेंगे तो वही वक्र उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाने वाला वक्र होगा। और इसको जो है हम डिटेल से समझते हैं कि लिखेंगे कैसे। अगर आपको रिटन वे में समझना है तो समझिएगा कि यहां पर 2 लाइन लिखा है मैंने कि उत्पादन संभावना वक्र उन 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है जिन्हें एक उत्पादक दिए हुए संसाधनों और तकनीक के ज्ञान के द्वारा एक समय विशेष पर उत्पादन किया जा सकता है। मतलब यहां पर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के संयोग को दर्शाया जाता है और वो ऐसा संयोग होता है जहां पर उसके पास जो संसाधन है और जहां पर उसके पास जो तकनीक है उन दोनों का कुशलतम उपयोग होता है और एक उच्चतम उत्पादन स्तर तक पहुंचते हैं। अब ये संयोग किस तरह से बनता है उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए 2 वस्तु को धारण करना है, यहां पर हमें दिखाना है संयोग, यहां पर दिखाएंगे वस्तु ए, मान लेते वस्तु ए कौन सा है, आलू, और दूसरा लेते हैं वस्तु बी, प्याज का उत्पादन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो सकता है उत्पादन, तो संयोग ए बन सकता है कि हम आलू जो है 10 किलो खरीदे तो प्याज हम 0 परचेज कर पाएंगे, परचेज नहीं कर पाएंगे। पहला संयोग तो यह कि 100% आलू खरीद दी, प्याज बिल्कुल नहीं आएगा। संयोग नंबर बी में यह आ जाएगा कि आलू आप प्याज जो है आप 1 केजी बढ़ा दो तो आलू की मात्रा कितनी हो जाएगी, 8 किलो। ठीक है, जैसे ही हम जो है इसके
एक केजी और बढ़ाएंगे ये आ जाएगा 6 किलो, एक केजी और बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 4 किलो। क्यों? जैसे जैसे हम दूसरे वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे उसके लिए पहले वस्तु की मात्रा आपको कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास साधन सीमित है, दोनों को एक साथ नहीं बढ़ा सकते। एक की मात्रा बढ़ानी है तो दूसरे की मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो ऐसे में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 किलो तो हो जाएगा 2 केजी, और लास्ट हो जाएगा एफ वाला, दैट इज 100% आप इसको परचेस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है ना, ये है उत्पादन के विभिन्न संयोग। समझ में आ गया? सही। अब इन संयोगों को अगर हम वक्र के रूप में शो करेंगे, ग्राफिकल रूप में, लाइक दिस, यहां पर हम शो करेंगे वस्तु बॉय यानी किसको, प्याज को, यहां पर हम शो करेंगे वस्तु एक्स को यानी कि आलू को। अब इन दोनों के विभिन्न संयोगों को बताना है। ठीक ना, कहां से वस्तु ए हमारा 10 है, ठीक ना, सॉरी ए है, एक्स नहीं ए, और ये हो गया बी, ये 10 है और इसका कितना है वाई का 0 है, तो 10 और 0 को शो करेंगे तो लाइक क्या बनेगा, इस तरह से संयोग बनेगा, एक संयोग ये लाइक दिस, यहां पर होगा ए बी सी डी ई और ये हो जाएगा हमारा एफ। तो उत्पादन के विभिन्न संयोगों को इस ग्राफ के थ्रू शो करता है, मतलब एक बताता है यहां पर हमारे ए की क्वांटिटी 10 है तो बी की क्वांटिटी 0 है, और यहां पर बी की क्वांटिटी 0 है तो ए की क्वांटिटी हमारी 6 है, ठीक है, ए की क्वांटिटी 0 है और बी की क्वांटिटी 5 है। तो जहां पर इस तरह का संयोग बनता है, ये जो वक्र होता है इसी को उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते। इस वक्र की कुछ स्पेशल मान्यता है, उन मान्यता को अपर हम गौर करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो उत्पादन संभावना वक्र है, अगर हमें संभावना वक्र को इस तरह से बताना है तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं। मान्यता मतलब होता है शर्तें, शर्तें को समझेंगे तो बेसिकली 4 प्रमुख मान्यताएं उत्पादन संभावना वक्र की होती हैं। सबसे पहले जब हम वक्र बनाते हैं, ये ध्यान में रखना, उस वक्त केवल और केवल हम 2 वस्तुओं के संयोगों को ही शो कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तु ए और बी का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि उससे कम उससे ज्यादा को हम वक्र के थ्रू नहीं दिखा सकते। मान्यता नंबर 2, उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर एवं निश्चित होती है, क्योंकि उत्पादन के जो साधन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर उत्पादन के साधनों की कीमत उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है तो उत्पादन का संयोग भी हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसे में ये जो मैंने उदाहरण दिया ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी मात्रा घट या बढ़ सकती है। हम ये मान के चलते हैं उत्पादन के साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही उसकी मात्रा में ना ही उसकी कीमतों में। नेक्स्ट है, प्रत्येक साधन पूर्ण उपयोग की स्थिति में होती है। जो भी उत्पादन के साधनों का हम प्रयोग करेंगे उसका 100% उपयोग होना चाहिए, हमें इसको बचा के नहीं रखना है। ओवर उपयोग तो होगा ही नहीं, लेकिन उसको बचा के नहीं रखना है कि आप कुछ जो अवशिष्ट बचा के रख सकते हैं उसका उपयोग नहीं, सारे साधनों का कुशलतम एवं 100% यूटिलाइज होना जरूरी है। और लास्ट थिंग ये ध्यान रखना है, उत्पादन की जो तकनीक है, जिस तकनीक के थ्रू हम वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, वो सेवा तकनीक हमारी बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि तकनीक अगर बदल गई तो उत्पादन का जो तरीका होता है उस पर भी उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा कि उत्पादन की लागत घट या बढ़ सकती है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र जिस समय हम शो करते हैं उस समय उसकी तकनीक, उस समय उसके साधन दोनों ही क्या होते हैं, अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं के समझने के बाद हमें एक पॉइंट और समझना होता है, उत्पादन संभावना वक्र की प्रमुख विशेषताएं। वैसे तो उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं उसकी अपनी विशेषताओं को बताती है, फिर भी हमें इतना ध्यान देना है उत्पादन संभावना वक्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई होती है, लाइक दिस। जब भी आप उत्पादन संभावना वक्र को बनाएंगे, यहां पर उत्पादन और संभावना वक्र यहां से बाएं से दाएं नीचे की ओर इस तरह से गिरती हुई होगी। इसका पहला रिजल्ट होता है कि उत्पादन के जो भी वस्तु का उत्पादन करेंगे दोनों की मात्रा में विपरीत संबंध होता है, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा। जब विपरीत संबंध होगा दोनों वस्तु के बीच में, उत्पादन की मात्रा के बीच में, तो वो हमेशा विपरीत चित्र बनाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। ठीक है, और दूसरी विशेषता इसकी है कि मूल उत्पादन संभावना वक्र हमेशा मूल बिंदु की ओर नतोदर होगा। नतोदर का मतलब होता है झुका हुआ होना। देखिए, क्योंकि हमने बताया था कि दो वस्तुओं का जो संयोग होता है एक 0 से शुरू होता है और वहीं पर जो आगे 0 पे खत्म होता है, जब
संयोग जीरो से शुरू होकर जीरो पे खत्म होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन संभावना वक्र हमेशा इसकी जो मूल बिंदु है एक्स की तरह झुका हुआ, क्योंकि ये एक्स एक्स और वाई एक्स से बिल्कुल और बिल्कुल क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। अगर कोई भी वक्र एक्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है और एक्स से होते हुए निकलता है, वो हमेशा मूल बिंदु की ओर नतोदर होगा, मतलब झुका हुआ होना उसकी तरफ बढ़ता हुआ होता है, ठीक है। और तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र में हमेशा हमें यह ध्यान में रखना होगा कि उत्पादन के साधन और उत्पादन की तकनीक दोनों ही स्थिर होती है, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता समझ रहे हैं आप लोग, विशेषताओं की बात में यह समझना है कि क्या उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन हो सकता है, जो वक्र एक बार बन गया क्या उस वक्र में खिसकाव हो सकता है, तो आंसर होगा बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अंतर है, केस ये है कि जब उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के जो तकनीक होती है, अगर उसमें परिवर्तन हो गया तो, अगर उसमें परिवर्तन होगा तो उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होगा। इसीलिए उत्पादन में परिवर्तन के दो प्रमुख कारण होता है, नंबर एक अगर साधनों में परिवर्तन हो जाए और नंबर दो तकनीक में परिवर्तन होता है। इन दोनों को अगर समझते हैं तो सबसे पहले अगर उत्पादन के साधनों में अगर परिवर्तन होता है, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, एक होता है उत्पादन के साधनों में वृद्धि होना और दूसरा होता है उत्पादन के साधनों की मात्रा में क्या हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है ना। उत्पादन की साधनों की मात्रा में वृद्धि होना और दूसरा होता है कमी आना। तो सबसे पहले अगर उत्पादन की साधनों की मात्रा में वृद्धि होती है तो उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, मान लीजिए ये हमारा पास पहले से ही उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है ना, जो हमें इस मात्रा की बात करता है, ये हो गया ऑप्शन ए और ये हो गया बी, ठीक है, जीरो और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, जहां दो वस्तुओं की संयोग को ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। हमारे पास क्या हो गया, साधनों की मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई पहला। अब उत्पादन की साधनों की मात्रा में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है साधन बढ़ेगा तो उत्पादन की मात्रा भी बढ़ेगी। अब जब उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो उत्पादन संभावना वक्र क्या करेगा, वो धीरे से ऊपर की ओर खिसक जाएगा, यानी कि जो नया उत्पादन संभावना वक्र बनेगा, जो पहला बना हुआ था उससे ठीक ऊपर की ओर बनेगा, लाइक दिस, जो ए है वो अब बनेगा डी और सी, नया संयोग होगा, नई मात्रा होगी और दोनों में बिल्कुल अंतर हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि होने से उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है, जबकि अगर हम उसके दूसरे केस की बात करें कि जब उत्पादन साधनों की मात्रा में कमी होती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा बिल्कुल विपरीत, उल्टा, जैसा पहला जो बताया था, ये हमारा पहला उत्पादन संभावना वक्र है, लाइक दिस, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब उत्पादन की साधनों की मात्रा में कमी हो गई, साधन नहीं है, जब साधन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी नहीं होगा, यानी उत्पादन में कमी आ जाएगी। जब उत्पादन की कमी हो जाएगी तो संयोग जो नया बनेगा वो दोनों की मात्रा को क्या कर देगा, कम कर देगा। जब नया संयोग बनेगा तो अब वो नीचे की ओर बनेगा, लाइक दिस, ये हो जाएगा हमारा डी और ये हो गया सी, यानी कि यहां पर उत्पादन की साधनों की मात्रा में कमी होने से जो नया उत्पादन संभावना वक्र बनेगा वो पहले से नीचे की ओर बनेगा, ठीक है ना। तो ये सब का अब नेक्स्ट केस है तकनीक में परिवर्तन। देखिए जब उत्पादन में तकनीक में परिवर्तन होता है तो एक साथ दोनों वस्तुओं की तकनीक में परिवर्तन हो सकता है या हो सकता है केवल एक वस्तु की तकनीक में परिवर्तन, हम तीनों केस में समझेंगे। तो जब तकनीक में परिवर्तन की बात करते हैं इसमें सबसे पहला होगा फर्स्ट वस्तु एक्स की तकनीक में परिवर्तन, हम केवल वस्तु एक्स के केस में देखेंगे। अब वस्तु एक्स की तकनीक परिवर्तन हो गया मतलब एक्स की तकनीक सुधर गई तो वस्तु एक्स का उत्पादन ज्यादा होगा जबकि जो बॉय था वो अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि उसकी तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि वस्तु बॉय की तकनीक अपनी जगह पर स्थिर है और वस्तु एक्स की तकनीक यानी उत्पादन की जो तरीका है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी है वो बदल गई। अब उत्पादन की टेक्नोलॉजी बदलेगी तो जैसी बात है उत्पादन की मात्रा भी बढ़ेगी, तो ऐसे में जो इस केस में जो ग्राफ बनता है वो लाइक इस तरह से बनता है, यहां पर होगा वस्तु वाई हो गया वस्तु एक्स और ये हमारा पहले वाला है ए और बी संयोग, ठीक ना। मैंने क्या कहा,
वस्तु एक्स के उत्पादन तकनीक में परिवर्तन हो गया, तो वस्तु एक्स की मात्रा जो है वो बदल जाएगी, जो यहां पर ये था अब वो बन जाएगा हमारा बी वन, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन हो तो नया केस हमारा क्या बन जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। केवल और केवल एक्स की मात्रा में ही परिवर्तन होता है, तो इस तरह से हमारा दूसरा केस में क्या बन सकता है, केस नंबर सेकंड, केवल वस्तु बॉय की तकनीक में परिवर्तन, केवल बॉय की तकनीक बदल रही है, तो जाहिर सी बात आपको अंदाजा लग गया होगा किस तरह से बनेगा। अब जो नया केस बनेगा वो लाइक दिस ऐसा बनेगा, ए बी हो गया बॉय एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है वस्तु बॉय और ये हो गया वस्तु एक्स। अब वस्तु बॉय की उत्पादन में परिवर्तन हो, तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, तो केवल इसकी मात्रा में बदलाव होगा, तो ये जो बनेगा हमारा नया वाला लाइक दिस, यानी कि केवल और केवल बॉय में परिवर्तन को शो करता है और एक्स में परिवर्तन नहीं दिखाता है, ठीक है। अब हो गया, अगर मान लीजिए दोनों में समान परिवर्तन होता है, एक्स में भी और बॉय में भी, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि केस नंबर थर्ड, एक्स और बॉय में समान परिवर्तन है, दोनों की तकनीक में समान परिवर्तन हो रहा है, तो जब दोनों में समान परिवर्तन होता है तो ऐसे में वस्तु एक्स की मात्रा भी बढ़े, बॉय की मात्रा भी बढ़ेगी और वस्तु एक्स की मात्रा भी बढ़ेगी, दोनों की मात्रा बढ़ेगी, तो हमारा नया जो वक्र बन जाएगा वो इस तरफ से ए और बी ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, क्योंकि दोनों की तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, तो बस दोनों वस्तुओं की मात्रा में भी परिवर्तन होगा, तो ये होगा हमारा उत्पादन संभावना वक्र के परिवर्तन में। तो कैसा लगा आपको आज की क्लास, कोई डाउट तो नहीं है, कोई शिकायत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर है तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करके बताइए, आपके हर एक डाउट का पूरा पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।